राहुल जी के लिए तो मैं पूरी तरह समर्पित हूँ, उन्हीं के लिए ये लुक रखा है। इतनी सर्दियों में भी अगर मैं टी शर्ट में रह रहा हूँ पूरे समय, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मैं राहुल जी के लिए समर्पित हूँ। राहुल जी के लिए, पार्टी के लिए जो कहेंगे वो करने को तैयार हूँ। देखिए, पूरे देश में बदलाव आएगा। ये यात्रा निकाली इसलिए जा रही है कि देश में, पूरे देश में बदलाव आया। पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के लिए ये यात्रा नहीं निकाली जा रही है, पूरे देश का माहौल अच्छा करने के लिए, पूरे देश को न्याय दिलाने के लिए, पूरे देश को एक उसमें जोड़ने के लिए, एक सूत्र में जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों में नज़र टिक जाती है कि जैसे लग रहा है कि राहुल गांधी खुद ही सामने खड़े हों। जी हाँ, हमारे साथ राहुल गांधी की हमसकल बोलिए या राहुल गांधी का जूनियर बोलिए, हमारे साथ मौजूद है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राकेश कुशवाहा है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। कब से आपने राहुल गांधी की इस यात्रा को ज्वाइन किया? ये तो स्टार्टिंग से ही किया है मैंने, मणिपुर इम्फाल से। अच्छा, भारत जोड़ो जब पहले यात्रा निकली थी उसमें भी आप थे? बिल्कुल बिल्कुल, उसी यात्रा के बाद से ये लुक मेरा आया था, तो तब से लुक कंटिन्यू किया मैंने। ये क्या लगता है कि इस यात्रा से कुछ बदलाव आएगा मणिपुर में? देखिए, पूरे देश में बदलाव आएगा। ये यात्रा निकाली इसलिए जा रही है कि देश में, पूरे देश में बदलाव आया। पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के लिए ये यात्रा नहीं निकाली जा रही है, पूरे देश का माहौल अच्छा करने के लिए, पूरे देश को न्याय दिलाने के लिए, पूरे देश को एक उसमें जोड़ने के लिए, एक सूत्र में जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और इससे देखिए, भले ही अपने को बहुत तुरंत इसके रिजल्ट ना दिखाई दें, लेकिन इसके देखिएगा आप, बहुत बड़े और बहुत अच्छे परिणाम दूर तक आपको दिखाई देंगे और बहुत दूर तक जाएगी ये यात्रा का प्रभाव जो है, पूरे देश में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ रही है ये यात्रा। देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त इस यात्रा के जो रिजल्ट्स आएंगे ना, भले ही थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। राहुल गांधी का आप देख सकते हैं टी शर्ट, जो वाइट कलर का टी शर्ट भारत जोड़ो यात्रा के टाइम से फेमस था, आज वो भी यही पहने हुए हैं। राहुल गांधी को कितना फॉलो करते हैं? राहुल जी के लिए तो मैं पूरी तरह समर्पित हूँ, उन्हीं के लिए ये लुक रखा है। इतनी सर्दियों में भी अगर मैं टी शर्ट में रह रहा हूँ पूरे समय, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मैं राहुल जी के लिए समर्पित हूँ। राहुल जी के लिए, पार्टी के लिए जो कहेंगे वो करने को तैयार हूँ। अभी आपका क्या रोल है इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में? देखिए, अभी तो मुझे नया रोल मिलने वाला है, नई ड्यूटी मुझे मिलने वाली है मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से। तो देखिए, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको पूरी ईमानदारी से और पूरे दमखम के साथ निभाऊंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई, वजह कहाँ क्या रही? देखिए, उसमें बहुत सारी वजह, मतलब मैं कह सकता हूँ, जिसमें मतलब एक वजह मुझे EVM भी लगता है कि एक वजह ये है, क्योंकि मतलब मैंने जो माहौल देखा था पूरे मध्य प्रदेश में, कहीं कोई व्यक्ति मुझसे, ये एक भी सिंगल व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता हो कि भाजपा की सरकार आने वाली है मध्य प्रदेश में। तो मैंने किसी के मुंह से भी ये बात नहीं सुनी थी, और एकदम से इस तरीके से बिल्कुल विस्फोटक तरीके से भाजपा की सरकार आई मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं ये संशय का विषय है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुँच रही है कि जनता इस चीज़ का विरोध कर रही है, EVM हटाने के लिए कह रही है, तो उनको हटाना चाहिए। क्यों नहीं हटाते वो? उनको हटाना चाहिए तुरंत, उनके लिए तो बिल्कुल चुटकियों का खेल है। EVM हटा दी जाएगी और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे, क्यों नहीं हटाना चाहते? मुझे बताइए ना, कहीं ना कहीं इसमें दाल में कुछ काला है, इसलिए नहीं हटाना चाहते। चलिए, EVM में सवाल उठा दिया, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को इतनी तेज तर्रारी से नहीं बोलते जिस तरह से आप बोल रहे हैं। EVM के मुद्दे पर वो बोलते हैं, विपक्ष उतना तेज नहीं बोलता, वजह क्या है? देखिए, ये तो मेरा पर्सनल वो है, व्यू है पर्सनल। अब राहुल जी का क्या इस विषय में मानना है या क्या वो उनका वो है, मैं तो अपने मध्य प्रदेश में जो मैंने माहौल देखा उसकी वजह से आपसे ये कहा। ऑल ओवर इंडिया, राहुल जी ऑल ओवर इंडिया के लिए सोचते हैं, मैंने केवल अपने पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के हिसाब से ये बात कही है। भाजपा ये भी कहती है कि राम मंदिर को, जैसे कि भगवान को, कांग्रेस ज़्यादा नहीं मानती। देखिए, मैं कांग्रेस ही हूँ, मैं कहता हूँ, और मैं स्वयं महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मैं तो ये चीज़ नहीं मानता कि कांग्रेस के जो लोग होते हैं वो भगवान को नहीं मानते। ये तो भाजपा द्वारा ये दिखाया जाता है, ये भाजपा द्वारा ये प्रसारित किया जाता है कि कांग्रेसी जो होते हैं वो हिंदू विरोधी हैं या धर्म विरोधी हैं, इस तरीके से बोला जाता है भाजपा द्वारा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये जूनियर राहुल कहलाए जाते हैं, लोगों के बीच काफ़ी फेमस है, लोग इनको जानते भी हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं और जिस तरह से कहा है कि 2024 में बदलाव होगा, ऐसे ही बने रहिए, आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। तब तक के लिए नमस्कार।